गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर इन हिंदी ग्रामर। चैप्टर नंबर 4, शब्द रचना, उपसर्ग और प्रत्यय। इस पाठ में आप अध्ययन करेंगे शब्द के प्रकार, मूल शब्द, व्युत्पन्न शब्द, व्युत्पन्न शब्द के प्रकार, उपसर्ग, प्रत्यय। जैसा कि यहाँ पर आपके चैप्टर में दे ही रखा है कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक मूल शब्द होते हैं, दूसरे हुए होते हैं व्युत्पन्न। व्युत्पन्न माने होता है बनाए हुए शब्द। व्युत्पन्न शब्द मूल शब्दों के कुछ शब्दांश जोड़कर बनाए जाते हैं, यानी कि जो बनाए गए शब्द होते हैं वो बनाए हुए शब्द क्या होता है, वो मूल शब्दों में कुछ शब्दांश जोड़ देते हैं, यानी कि शब्दांश मतलब शब्दों के कुछ अंश जोड़ देते हैं और जिससे एक नया शब्द बनता है। ये शब्दांश या तो मूल शब्द के आरंभ में लगते हैं या फिर अंत में, यानी कि पहले या तो ये मूल शब्द के पहले लगते हैं या फिर बाद में। जब ये पहले लगते हैं तब क्या होता है, जब ये पहले लगते हैं तो ये उपसर्ग कहलाते हैं और जब ये बाद में लगते हैं तो ये प्रत्यय कहलाते हैं। जब कोई शब्दांश किसी मूल शब्द में जोड़ा जाता है तो वह उसके अर्थ में थोड़ा परिवर्तन कर देता है, यानी कि जब आप कुछ आगे लगाएंगे या किसी शब्द के पीछे शब्दांश कुछ लगाएंगे तो एक नया शब्द बन जाएगा, मीनिंग बदल जाएगा उसका। देखो, जैसे आप देखिए, कार एक मूल शब्द है और उसके आगे एक उपसर्ग लगाया है अप, तो वो हो जाएगा अपकार। नया शब्द क्या बना, अपकार। ऐसे ही मान मतलब सम्मान होता है, लेकिन अप लगकर वो अपमान बन गया। याद रखिए, उपसर्ग का स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं कि जो उपसर्ग हैं इनको स्वतंत्र रूप से एक शब्द नहीं होते हैं, इनका कोई भी मतलब आप ये नहीं कह सकते कि जो हैं ये अपना कोई मतलब फ्रीली इनको किसी शब्द के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। हिंदी में प्रयोग होने वाले उपसर्गों को चार भागों में बांटा गया है, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले अव्यय और नंबर 4 है अरबी फारसी के उपसर्ग। संस्कृत के सब उपसर्ग कौन कौन से हैं? हिंदी में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख उपसर्ग निम्नलिखित हैं, अति, अधि, अनु, अभी, अव, आ, अप, परि, प्र, वि, सम। ये जो हिंदी के संस्कृत के जो उपसर्ग हैं ये जब किसी भी शब्द में जुड़ते हैं, यानी मूल शब्द में जुड़ते हैं, आगे लगते हैं तो फिर एक नया शब्द बना देते हैं। जैसे अव नति, नति में जुड़ा है ये, है ना। अति में प्रिय में जुड़ा है अति, अति प्रिय। पति में जुड़ा है अधि, गामी में जुड़ा है अनु, बादन में जुड़ा है अभी। इसी तरीके से संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, ठीक है। अब आता है नंबर 2, हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के अपने उपसर्ग बहुत कम हैं। हिंदी के उपसर्ग निम्नलिखित हैं, अ, अन, अध, क, कु, स, सु, दु, नी, ठीक है। तो इससे नए इनका मीनिंग भी यहाँ पे दे रखा है, अ मतलब नहीं, अन मतलब नहीं, अध मतलब आधा, ठीक है। तो जब अ किसी चीज़ में जुड़ता है तो नहीं का सेंस दे रहा होता है, अथा। चलिए अब जानते हैं कि उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले जो अव्यय हैं वो कौन कौन से हैं। संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे हैं जो उपसर्ग की तरह प्रयोग होते हैं, ऐसे शब्दों को गति शब्द कहते हैं, ठीक है। तो जैसे वो कौन कौन से उपसर्ग हैं, अ, अधा, अंतः, कु, पर, पुनः, पूर्व, बहु, सह, स्व। ये जो उपसर्ग हैं वो उपसर्ग की तरह प्रयोग होते हैं, लेकिन ये होते अव्यय हैं। अव्यय क्या होता है, वो चीज़, वो शब्द जो कि किसी भी के भी साथ प्रयोग हों, चाहे क्रिया, कर्म, कर्ता, किसी के भी साथ प्रयोग होंगे, वो हर किसी के साथ किसी भी काल में प्रयोग हों, हर किसी के साथ एज इट इज़ रहते हैं, बदलते नहीं हैं, ठीक है। अब आते हैं अरबी फारसी के उपसर्ग में। हिंदी भाषा के अरबी फारसी में आए कुछ उपसर्ग भी प्रयोग होते हैं, है ना। हिंदी भाषा में उपसर्गों की संख्या अधिक तो नहीं है ऐसे, लेकिन हिंदी में प्रयोग होने वाले अरबी फारसी के उपसर्ग निम्नलिखित हैं। उसमें आता है कम, खुश, गैर, बद, बे, ना, ला, सर।
जैसे कम से बना, कम अक्ल खुश से बना, खुश मिजाज गैर से बना गैर सरकारी, बद से बदनाम, इस तरीके से ये अक्ल जो मूल शब्द है उससे पहले लगे हैं, पहले लगे हैं इसीलिए इन्हें उपसर्ग कहा जा रहा है। अब बात करते हैं प्रत्यय की। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगे, प्र से ही समझ में आ रहा है, प मतलब पीछे, ठीक है। तो जो चीज़ पीछे लग रही है, जो शब्दांश पीछे लग रहे हैं, शब्द के अंत में लग रहे हैं, बाद में लग रहे हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मूल शब्द सुंदर है और उसमें ता प्रत्यय लगेगा तो सुंदरता, गर्म में ई शब्द लगा है तो गर्मी। उपसर्ग की तरह प्रत्यय का भी स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं होता है ना। जैसे हम चाहें कि केवल ता शब्द, ता को शब्दांश जो है दे रखा है ता प्रत्यय, उसे किसी शब्द के लिए प्रयोग कर लें शब्द के रूप में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। प्रत्ययों की संख्या तीन है, तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय और अरबी फारसी के प्रत्यय। संस्कृत के प्रत्यय उपसर्गों की तरह हिंदी के अधिकतर प्रत्यय भी संस्कृत से ही आए हैं। जैसे अनिय, उससे बना पठनीय, पठन शब्द में लगा है पठनीय हो जाएगा, है ना। आ में बाल में लगा है बाला, प्रिय में आ लग के बन गया प्रिया, सुशील में बन गया सुशीला, ऐसे ही एक लगा, एक लगते ही धार्मिक हो गया, धर्म में एक लगा, शिक्षक में एक आ लगा शिक्षिका हो गया, ठीक है। इस तरीके से इमा, ई, ई है, कार, ता, त्वय, मय, मान, वत, वान, पूर्वक, ये शब्द आप देखिए मूल शब्द के बाद में लग रहे हैं ये वाले शब्दांश, ठीक है। तो बाद में लग रहे हैं इसीलिए इन्हें प्रत्यय कहा जा रहा है। और ये जितने भी हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे संस्कृत से आए हुए प्रत्यय हैं। हिंदी के प्रत्यय कौन से हैं, वो हैं अक्कड़, अक्कड़ से बना घुमक्कड़, आई से बना पढ़ाई, है ना, आन से बना मिलान, आनी से बना देवरानी, आलू से बना लजालू, आप से बना घुमाव, आवा से बना चढ़ावा, आवट से बना गिरावट, आवना से बना लुभावना, आहट से बना घबराहट, इन से बना धोबिन, ईयल से बना मरियल, इया बिटिया, ई शहरी, इला जहरीला, नी ऊठनी, पन से बना बालपन, बाला से बना आने वाला। अरबी फारसी के प्रत्यय निम्नलिखित हैं, कार खाना, दार बंद, दान दानी बार, जानकार पर्ची का, है ना। खाना देखो अभी ये शब्द जो प्रत्यय दिख रहे हैं वो बाद में लग रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसमें। डाक खाना, देन में लगा दार तो देनदार, कमल बंद, कमल में लगा बंद कमल बंद, ठीक है, कमल दान, चायदानी, क्रमवार, इस तरीके से जो बाद में लग रहे हैं वो प्रत्यय हैं और जो पहले लग रहे हैं वो उपसर्ग हैं। चलिए आइए रिवीजन करते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, मूल शब्द, व्युत्पन्न शब्द। व्युत्पन्न शब्द मूल शब्दों के कुछ शब्दांश जोड़कर बनाए जाते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें वो उपसर्ग। उपसर्ग चार प्रकार के, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले अव्यय, अरबी के उपसर्ग, संस्कृत के वे शब्द जो उपसर्ग की तरह प्रयोग करें वो गति कहलाते हैं। जो शब्द शब्दांश के, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में आकर लगें और अर्थ परिवर्तन कर दें वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के तीन भागों में बांटा गया है, संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय और अरबी के प्रत्यय। आई होप स्टूडेंट्स आपकी समझ में ये आया होगा। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गुड बाय।